नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। आज संभल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10:30 बजे संभल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री की जनसभा भी है। सीएम योगी भी संभल में मौजूद रहेंगे। संभल में आज जुटेंगे देश भर के साधु संत। प्रधानमंत्री के दौरे के उल्लेख सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। चौड़ा कबो गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, आज संभल में आने वाले हैं प्रधानमंत्री। कल्कि धाम में मंदिर का शिलान्यास करेंगे। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल पर डेरा डाला हुआ है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। कल्कि धाम के सहारे बीजेपी सियासी फायदा पाना तो चाहती है, मगर इसकी धार्मिक महत्वता क्या है और कल्कि धाम क्यों होगा दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर, इस रिपोर्ट से समझिए। अवधपुरी से कल्कि धाम, जय श्री कल्कि, जय श्री राम। अवधपुरी से कल्कि धाम, जय श्री कल्कि, जय श्री राम। बोलो सरकार। उत्तर प्रदेश के संभल में आजकल यही जयकारा गूंज रहा है, क्योंकि संभल के एनचोड़ा कम्बोह में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का मंदिर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे, साथ ही गर्भगृह में पूजा कर शिला भी स्थापित करेंगे। इस समय हम आपको गर्भगृह की उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये जो जगह देख रहे हैं, यहीं पर पहली शिला जो है वो रखी जाएगी प्रधानमंत्री के हाथों से। ये जो यहाँ पर गड्ढा किया गया है, इसके अंदर से ही कल्कि धाम की नींव जो है वो रखी जाएगी। तो शिलान्यास के पूजन का सारा कार्यक्रम इस जगह पर होगा, और फिलहाल पूरे परिसर में आप देखेंगे कि किस तरह से इसको सजाया जा रहा है। यूं तो इस मंदिर की कई विशेषता है, मगर सबसे खास बात है कि संभल में बन रहा ये पहला ऐसा धाम है जहां भगवान के अवतार लेने से पहले उनका मंदिर स्थापित हो रहा है। कल्कि धाम के संभल से कनेक्शन की अगर बात की जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका जिक्र कुछ इस तरह है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे जो बड़े परोपकारी और धार्मिक होंगे। उस विष्णु भक्त ब्राह्मण के घर में ही कल्कि अवतार लेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से भी संभल के कल्कि धाम की एक समानता है। दरअसल कल्कि धाम को बनाने में उसी गुलाबी रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही इसमें भी लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। कल्कि धाम का निर्माण 5 एकड़ में होगा। इसे बनाने में करीब 5 साल लगेंगे। कल्कि मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। मंदिर का चबूतरा 11 फीट ऊंचा होगा। कल्कि धाम में एक नहीं 10 गर्भगृह होंगे जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार स्थापित किए जाएंगे, यानी हर एक गर्भगृह में विष्णु का एक अवतार। कल्कि पीठ अपनी पुरानी जगह ही रहेगा। जब कल्कि धाम बनेगा तब उसके लिए भगवान का नया विग्रह होगा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए कल्कि भगवान की एक भव्य और दिव्य प्रतिमा को लाया जाएगा जैसा कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति लाई गई थी। खास बात यह है कि राम मंदिर की तरह कल्कि धाम का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही इस दौरान कल्किपुरम में देश भर से करीब 11,000 साधु संत मौजूद रहेंगे जिनके लिए टेंट सिटी भी तैयार की गई है। कल्कि धाम में शिलान्यास के लिए साधु संतों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। ये टेंट सिटी जो आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में ये टेंट जो हैं वो बनाए गए हैं। तमाम जो साधु संत देश के अलग अलग हिस्सों से इस शिलान्यास समारोह में पहुंच रहे हैं, यहां पर साक्षी बनेंगे, शिलान्यास समारोह में हिस्सा बनेंगे, उनके रहने की खाने पीने की व्यवस्था इस पूरी टेंट सिटी में की गई है। यहाँ बड़ा अद्भुत नजारा है। आने वाले समय में संतों का बहुत बड़ा समागम होने जा रहा है। एक प्रकार से आप मान लीजिए ये जो है कुंभ का रूप है। एक प्रकार से संभल नगरी में, तीर्थ नगरी संभल में कुंभ का स्वरूप है। फिलहाल शिलान्यास समारोह स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए एसपीजी ने पूरे परिसर को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है।
प्रधानमंत्री जब कल्कि धाम शिलान्यास के लिए पहुंचेंगे तो चौपर जहां पर उतारा जाएगा उसके लिए भी मंच के ठीक पीछे ये जगह चिन्हित की गई है जहां फिलहाल हेलीपैड बनाने का काम किया जा रहा है। यहां मंच के ठीक पीछे प्रधानमंत्री जो है अपनी सिक्योरिटी के साथ पहुंचेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री के लिए भी एक हेलीपैड तैयार किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद यहां पर कड़ी रखी गई है। और पूरे कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगे तो जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी चाक चौबंद किए गए हैं। अंजलि सिंह, जी मीडिया, संभल।